देख मैंने कैसा मस्त ये बस चलिए लेट्स स्टार्ट बच्चे लोग। चल दे कल कल अच्छा सॉरी चल तो टू स्टार्ट इट वेरी शॉर्ट, आई एम नॉट गेटिंग इनटू अपना बेसिक टैक्स का डिस्कशन। मैं थोड़ा डीटी के हिसाब से ही स्टार्ट कर, है ना। अगर हम लोग डायरेक्ट टैक्स के हिसाब से बात कर रहे थे तो हमको समझा कि जो अपना डायरेक्ट टैक्स लॉ है ना, दैट लॉ इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्ट्स, करेक्ट है। तो व्हाट इज द डायरेक्ट टैक्स लॉ मेड अप, तो हमने देखा उसमें आएगा अपना क्या बेटा, इनकम टैक्स एक्ट। उसमें क्या आएगा अपना, इनकम टैक्स रूल्स, है ना। देन वी हैव व्हाट, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। देन वी हैव व्हाट, केस लॉस। एंड फाइनली वी हैव समथिंग कॉल्ड एज द एनुअल फाइनेंस एक्ट। ये मिला के मेरा आइडियली इनकम टैक्स का लॉ पूरा होता है, ठीक है। देन अब वी अंडरस्टैंड कि अपना जो एक्ट है वो मेन बॉडी है ना, वो बताता है व्हाट टू डू। रूल्स ऑब्वियसली प्रोसीजर्स हैं, तो वो बताएंगे हाउ टू डू इट, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग। देन हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन देखा, सेक्शन 4, विच इज नथिंग बट द चार्जिंग सेक्शन, है ना बेटा। सेक्शन 4 ने अपने को क्या बताया कि एनी इनकम विच इज अर्न्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी चार्ज टू टैक्स ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर, ठीक है। फिर हमने 4 डेफिनेशंस भी देखे टू स्टार्ट विद। तो अपना 4 डेफिनेशंस में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वाज डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन, बराबर। हम बोला पर्सन मतलब कौन है, बोलो। पर्सन मतलब इंडिविजुअल, और फिर अदर एक बाकी उसके पहले, उसके पहले एक बाकी, आर्टिफिशियल एज भी लास्ट है। लोकल अथॉरिटी, है ना, लोकल अथॉरिटी आएगा बेटा। एंड लास्ट में हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हु इज नॉट इंक्लूडेड अबव, करेक्ट है। तो दैट इज अ पर्सन। अब पर्सन क्यों बनना जरूरी है बेटा, क्योंकि ओनली आफ्टर यू कैन बिकम अ पर्सन कैन यू फर्दर बिकम एन असेसी, है ना। तो हमने एसएससी का भी डेफिनेशन देखा, तो वी अंडरस्टूड कि एसएससी का जो डेफिनेशन है बहुत अलग सा डेफिनेशन है। उसमें कुछ पार्ट मींस भी है, कुछ पार्ट इंक्लूड भी आए, बराबर है ना बेटा। तो हम लोग ने बोला कि व्हाट इज द डेफिनेशन, तो वी से कि व्हेन वी आर लुकिंग एट द डेफिनेशन, वी से असेसी मींस एनी पर्सन, है ना। क्योंकि असेसी बनने के लिए पहले पर्सन बनना जरूरी है। तो हम लोग बोलते हैं असेसी मींस व्हाट बेटा, एनी पर्सन बट हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट बट ऑल्सो इंक्लूड्स। हम बोला 3 लोगों को, वो लोग ने क्या करा बेटा, इंक्लूड करा, है ना। किस किस को इंक्लूड करा, सबसे पहले बोला रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। वी नो कि रिप्रेजेंटेटिव एसएससी वो बंदा है जो किसी और को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। द इजिएस्ट एग्जाम्पल व्हाट वी लुक्ड एट इज द ट्रस्ट रिप्रेजेंटिंग व्हाट बेटा, द गॉड, और द पेरेंट रिप्रेजेंटिंग द चाइल्ड, है ना। दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। दूसरा असेसी इन डिफॉल्ट। अब असेसी इन डिफॉल्ट कौन बंदा है बेटा, वो बंदा है जिसने कुछ तो डिफॉल्ट किया है ना, एंड उसको गवर्नमेंट पनिश करना चाहता है, तो उसको भी बना दिया असेसी इन डिफॉल्ट। एंड लास्टली ऐसा बंदा है जिसके अगेंस्ट कोई तो लीगल एक्शन है, हमने क्या किया बेटा, स्टार्ट किया है, प्रोसीडिंग स्टार्ट किया है, तो वो हो जाता है आपका क्या बेटा, असेसी, ठीक है। देन वी ऑल्सो वेंट अहेड एंड सॉ 2 डेफिनेशंस, दैट इज द प्रीवियस ईयर एंड व्हाट बेटा, असेसमेंट ईयर। अब हमने ये भी देखा कि बेटा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का देयर इज वन पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड वन पार्ट ऑफ व्हाट बेटा, द डेफिनेशन।
अंडरस्टैंडिंग अपने को क्या बोला कि प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। मैं आज भी पूछू आपको व्हाट इज प्रीवियस ईयर, लास्ट वो डेफिनेशन है, अस मतलब क्या है। जिस ईयर का हमें टोटल पेमेंट करना है, मतलब वो टैक्स सिंपल थोड़ा, जिस ईयर में आपने इनकम अर्न किया दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज व्हाट बेटा द प्रीवियस ईयर, बराबर है। जिस ईयर, जिस साल में आपने इनकम अर्न किया दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज व्हाट बेटा प्रीवियस ईयर। तो फिर हम लोग को समझते हैं असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होगा बेटा। तो हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच यू विल डू सेल्फ असेसमेंट एंड पे द टैक्स, है ना। जिस साल में आपने सेल्फ असेसमेंट करके क्या करा बेटा, टैक्स पे किया, वो होगा अपना असेसमेंट। दिस इज द पार्ट ऑफ अंडरस्टैंड। अब जब डेफिनेशन का बारी आया तब अपने को क्या समझता है, डेफिनेशन में गवर्नमेंट इज मोर कंसर्न पैसा कभी मिलता है। तो गवर्नमेंट बोलता है मेरे लिए बेटा एवरी ईयर इज अ प्रीवियस ईयर, एवरी ईयर इज असेसमेंट ईयर, एंड व्हाट इज द इन द प्रीवियस ईयर द ईयर व्हिच इज प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर इज व्हाट आई कॉल एज द प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, सक्सीडिंग मतलब बाद, है ना। प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर इज व्हाट यू कॉल्ड एज द प्रीवियस, फेयर है ना। देयर वर सम क्वेश्चंस जो तुमने लिखे भी है बट वी नीड टू डिस्कस। तो बोलता है कि क्या प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर के हिसाब से वी से कैन असेसमेंट ईयर बी मोर देन 12 मंथ्स, कैन इट बी लेस देन 12 मंथ्स, कैन इट बी इक्वल टू और बेटा 12 मंथ्स। तो हम लोग बोला ऑलवेज, है ना, असेसमेंट ईयर विल ऑलवेज बी अ पीरियड ऑफ और बेटा 12 मंथ्स। कभी से स्टार्ट होगा, फर्स्ट ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होगा एंड कभी खत्म होगा 31st ऑफ मार्च। सो दिस ऑलवेज इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम और बेटा 1st ऑफ अप्रैल एंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च। ये पक्का क्लियर है, हम लोग ने बोला डन। सो कैन इट बी देन मोर देन और लेस देन 12 मंथ्स, तो हम इसका आंसर बोलते हैं नेवर, कभी भी नहीं, है ना। ये 12 महीने का ही होता है, 12 महीने से कम भी नहीं हो सकता, 12 महीने से ज्यादा भी नहीं हो सकता, कौन असेसमेंट। बट देन प्रीवियस ईयर कैन इट बी इक्वल टू 12 मंथ्स, हम लोग बोलते हैं यस इट, है ना। कैन इट बी मोर देन 12 मंथ्स, तो हम लोग बोलते हैं नहीं, कभी नहीं हो सकता। बट कैन इट बी लेस देन 12 मंथ्स, तो बोलता है यस बट समटाइम्स, ठीक है, यस बट व्हाट बेटा समटाइम्स। तो कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जब एक प्रीवियस ईयर जो है वो 12 महीने से कम आता है ना। तो ये बोलते हैं देखो दो सिनेरियोस हो सकते हैं, व्हेन यू आर प्रीवियस ईयर वुड बी लेस देन व्हाट बेटा 12 मंथ्स। एक तो बोला अगर देर इज अ न्यू बिजनेस और व्हाट बेटा प्रोफेशन विच इज कमेंस्ड और व्हाट बेटा स्टार्टेड, तो बोलता है उस न्यू बिजनेस के लिए मेरे प्रीवियस ईयर का स्टार्ट डेट क्या होगा, जिस दिन बिजनेस चालू हो, जिस दिन बिजनेस क्या हुआ बेटा चालू, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोफेशन। एंड तो वही 31st ऑफ मार्च को ही होगा, एंड तो वही होगा कभी 31st ऑफ मार्च को। पर अभी मान के चलो बेटा मैं नया कुछ होटल डालना चाहता हूँ, तो होटल मेरे लिए अलग बिजनेस होगा बेटा। तो अब उस बिजनेस के लिए मेरे ओवरऑल के लिए नहीं बात कर, उस बिजनेस के लिए प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा जब से मैंने होटल स्टार्ट किया। तो मान के चल मैंने 1 जनवरी को होटल खोला, इनॉग्रेशन किया मैंने 1 जनवरी, तो मेरे होटल का बिजनेस का प्रीवियस ईयर कब से चालू होगा बेटा, 1 जनवरी को चालू होगा, खत्म कभी होगा, 31st मार्च को। तो मैं बोलता है इट विल स्टार्ट ऑन व्हाट बेटा 1 जन एंड एंड ऑन द सक्सीडिंग 31st मार्च। सक्सीडिंग क्यों, आगे आने वाला, जो भी आगे आने वाला 31st मार्च है तभी मेरा वो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो। फेयर इनफ है, हम लोग बोला चलो ठीक। या तो देयर इज अ व्हाट बेटा न्यू सोर्स ऑफ व्हाट बेटा इनकम, ठीक है। अब है ना आपको ये वर्ड एक जानना बहुत जरूरी है बेटा, व्हेन आई एम सेइंग न्यू सोर्स ऑफ इनकम, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन वी से अ सोर्स ऑफ, जहां से पैसे आ रहे हैं। तो कैन आई से एवरी एवेन्यू, एवरी चांस, या हिंदी में बोलो तो हर जरिया जिधर से मुझे पैसा आता है वो मेरे लिए क्या बनेगा बेटा, एक सोर्स बनेगा। तो अब आप सोचो कि अगर मेरा होटल है तो होटल इज अ सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम, तो इट इज ब्रॉडली बिजनेस, ठीक है।
अगर मैं सिखाता हूँ इधर तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। मैं आपका ICSI में कुछ वो EDP का सेशंस वगैरह लेने जाता हूँ, वो भी टेक्निकली मेरे लिए क्या बेटा एक सोर्स ऑफ इनकम बना। ठीक है, कल मान के चलो मैं रील्स भी कुछ बनाता हूँ, मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप्स वगैरह मिलते हैं तो वो भी मेरे लिए क्या बनेगा, सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। सो एवरी वे फ्रॉम विच आई एम वॉन्ट बेटा अर्निंग, मेरा एक घर होगा जहां से मुझे रेंट मिलता है, वो सब कुछ मेरे लिए क्या माना जाएगा बेटा, एक सोर्स ऑफ इनकम माना जाएगा। अब आप सोचो आप खुद, ठीक है, सो यू आर नाउ स्टूडेंट्स, आर यू अर्निंग एनीथिंग टुडे? नो टेक्निकली नो। ठीक है, कल को तुम CS बनोगे कहीं तो जॉब ज्वाइन, तो जिंदगी में पहली बार कमाओगे बेटा। अब मान के चलो आपने अभी तो जॉब ज्वाइन किया 1 अगस्त 25 में, लेट्स अज्यूम 25 में आपने जॉब ज्वाइन किया, तो अब कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है? इधर प्रीवियस ईयर चल रहा है 25 26, करेक्ट है? तो आपके लिए प्रीवियस ईयर कभी चालू होगा मान में 1825 को, खत्म कभी होगा 31 3 26, क्योंकि आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम इज अ जॉब। आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम इज अ जॉब, जॉब इज नॉट अ बिजनेस और अ प्रोफेशन, उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम इज अ जॉब। मान के चलो आपने नया घर खरीदा, यू आर थिंकिंग मैं घर को लेट आउट करूंगा, वहां से रेंट का पैसा आएगा। तो जिस दिन तुमने वो घर खरीदा, तुम्हारा सोर्स कभी से क्या हो गया, चालू होगा, उसके लिए प्रीवियस ईयर कभी से चालू होगा, जब से वो सोर्स क्या हो गया बेटा, आ गया। तो दैट इज व्हाट वी हैव लर्न्ड हियर आल्सो अहेड, कि बेटा इट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स, है ना, पर कब, इन अ न्यू बिजनेस और अ प्रोफेशन, है ना, कमेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, स्टार्ट कभी होगा ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, या तो न्यू सोर्स ऑफ इनकम इज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द ईयर, तो स्टार्ट कभी होगा ऑन द डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ व्हाट बेटा, सोर्स ऑफ इनकम, खत्म तो इमीडिएटली सक्सीडिंग 31 मार्च। ठीक है, अब है ना कभी कभी आपको ऐसा एकदम कंफ्यूज करने के लिए तुमको कभी क्वेश्चन डाल देंगे, बेटा तेरा बिजनेस ही चालू हुआ 31 3 24 को, बिजनेस ही चालू कभी हुआ 31 3 24 को, अब बोल तेरा प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर वो एक ही दिन है, वो चालू भी 31 3 24 को ही होगा और खत्म भी 31 3 24 को ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज चालू हुआ तो वो 31 3 25, नहीं, प्रीवियस ईयर शुड ऑलवेज एंड ऑन व्हाट बेटा, 31 3 24। तो मान के चल न्यू सोर्स ऑफ इनकम या न्यू बिजनेस इज कमिंग इनटू पिक्चर ओनली ऑन द लास्ट डे, तो वो एक दिन ही तेरा क्या माना जाएगा बेटा, प्रीवियस ईयर। उसमें जो भी तू अर्न करेगा उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसका रेस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर। ठीक है, एंड ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर विल ऑलवेज गो हैंड इन हैंड ना बेटा, एक के पीछे एक ही रहेगा। तो मैं कभी भी बोलता हूँ प्रीवियस ईयर 23 24, तो ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट असेसमेंट ईयर 24 25। अगर मैं बोलता हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर 24 25, तो इम्प्लीकेशन ये भी है कि मैं असेसमेंट ईयर 25 26 की बात। ठीक है, तो ये याद रखना, ये हमेशा एक दूसरे का आगे पीछे ही चलता है बच्चा। ओके, नाउ वी कम टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, वेरी स्मॉल बट येट इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो अभी आपने जो 10 लाइन छोड़ा है ना उसके बारे में बात, ठीक है, तो देखो इंडिया में डू यू रियलाइज एवरी ईयर फेब्रुवरी में एक इवेंट होएगा, डज एनीबडी नो क्या इवेंट होता है हर साल फेब्रुवरी में? बजट बजट आता है, तो यू नो अंडरस्टैंड देयर इज व्हाट बेटा बजट, तुमको पता है ना डेट फिक्स है अपना, तो इट विल कम ऑन व्हाट बेटा 1 फरवरी। एक टाइम था जब ये लास्ट डे ऑफ फेब्रुवरी को आता था, अभी वो 1 डे पे आता है, कभी भी है वो तो आता है। अभी व्हाट इज प्रेजेंटेड इन द बजट, व्हाट इज प्रेजेंटेड इन द बजट बताओ, क्या होता है बजट के अंदर? टैक्स पॉलिसी तो टैक्स पॉलिसी से अपने को मतलब, बाकी का तो बहुत सारा चीज है, रेलवे बजट होता है, दूसरा कोई फॉर टूरिज्म बजट होता है, अपने को किससे मतलब है, फाइनेंस बजट। अब बेटा इन द बजट, ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, कौन आएंगे अभी, निर्मला सीतारमण, शी विल प्रेजेंट समथिंग इन द बजट, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ फाइनेंस बिल।
bill, bill. That is what you call as a finance bill. Please understand, in a budget, what my finance minister presents is a finance bill. बिल अब ये फाइनेंस बिल में होता क्या, इसमें होता है ऑल दी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, ठीक है, इन व्हाट बेटा, दोस टैक्स लॉस विच आर लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लॉस, मतलब यूनियन लिस्ट वाले, है ना, जो टैक्स लॉस सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है, उसमें जो भी चेंजेस लाने हैं, तो इफ माई सेंटर इज लेविंग इनकम टैक्स, दे विल ब्रिंग चेंजेस इन इनकम टैक्स इन द बजट। सेंटर इज लेविंग कस्टम ड्यूटी, वो कस्टम ड्यूटी में कुछ चेंजेस है वो बजट में लाएगा, उसको जीएसटी में कुछ लेवी करना है वो लाएगा, म्यूनिसिपल टैक्स को लेवी कर रहा है, कल बात हुआ था, लोकल अथॉरिटी, वो बजट में नहीं आया, कल को इनको म्यूनिसिपल टैक्स बढ़ाना है। आपको मालूम है आजकल ऐसा पब्लिक लोग बोल रहे हैं, बीएमसी ने म्यूनिसिपल टैक्स क्या किया है, एडहॉक बढ़ाया है, तो वो तेरा बजट में नहीं आता है, बिकॉज इन अ बजट यू विल ओनली गेट अबाउट दोस टैक्सेस व्हिच आर लेविड बाय सीजीसी सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो, एंड डू यू सी व्हेन आई से प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, व्हाई प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, हाँ, तो जो अमेंडमेंट हम लोग चाह रहे हैं ना, वो है, जरूरी नहीं है व्हाट एवर इज गिवन इन द बजट विल कम आउट एज अ लॉ, देयर कुड बी चेंजेस, देयर कुड बी एक्सेप्टेंसेस, देयर कुड बी, और बेटा टोटली रिजेक्टेड। अब बेटा एक बार ये बिल आपने पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो गया, तुमको तो मालूम है लॉ बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बराबर है, एवरीबॉडी नोज लॉ बनाने का काम किसका है बेटा, पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये अपना पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो गया, फिर अपना लोकसभा, राज्यसभा से उसको क्या मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा, फिर बोलो जोर से बोल, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर क्या होगा, प्रेसिडेंशियल असेंट मिलेगा, है ना, एंड उसके बाद ही ये बिल जो है ये बनेगा बेटा एक्ट, है ना। तो इसके बाद जिंदगी में आई वुड नेवर वांट यू टू बी सेइंग कि बजट में एक्ट आया, बजट में एक्ट नहीं आता, बजट में क्या आता है, बिल आता है, एंड देर इज अ जर्नी फ्रॉम अ बिल टू बिकम व्हाट बेटा, एन एक्ट, ठीक है। तो ये जर्नी पास, दिक्कत ये होता है बेटा कि इसके ना बीच में साल की, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फेब 24 का बात कर रहा हूं, तो फेब 24 से जब तक ये एक्ट बन जाता है ना, दिस बिकम समवेयर अराउंड जून या जुलाई 24, जो भी अपना जो पार्लियामेंट है जो मॉनसून सेशंस में बैठता है, जून या जुलाई 24 में, तब वो एक्ट बना दे। अब क्या होता है, इसके बीच में देर इज 31/3/24 एंड देर इज देन 1/4 व्हाट बेटा 24, है ना। तो अब दिक्कत क्या होती है बेटा कि ये जो जून एंड जुलाई में जो भी नए प्रोविजंस आ रहे हैं, ठीक है, वी के नॉट अप्लाई इट टू असेसमेंट ईयर जो पहले ऑलरेडी चालू हो चुका है, इट कैन ओनली बी एप्लीकेबल टू द फोर्थ कमिंग असेसमेंट ईयर, बराबर है ना बेटा। तो डू यू रियलाइज इधर कौन सा प्रीवियस ईयर है, बताओ, 23/24 एंड इसका असेसमेंट ईयर है 24/25, ये समझता है बेटा तुमको, इधर कौन सा प्रीवियस ईयर आएगा 24/25 एंड इधर AY 25/26, सही बात है बेटा, ओके 25/26। मैं अभी आने वाले बजट के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी फेब्रुवरी में जो बजट आएगा, प्लीज अंडरस्टैंड कि जो मेरा फाइनेंस एक्ट 24 बनेगा, अभी मेरा फाइनेंस एक्ट कौन सा बनेगा बेटा 2024, इट विल बी एप्लीकेबल टू असेसमेंट ईयर 25/26, इट विल बी एप्लीकेबल टू असेसमेंट ईयर कौन सा 25/26, करेक्ट है। एंड यहाँ पे जो असेसमेंट ईयर है ये कौन से फाइनेंस एक्ट का सुनते रहेंगे, ये सुन रहे हैं फाइनेंस एक्ट 23 का, ये सुन रहे हैं वो प्रोविजंस का जो कहाँ बनाए गए थे, फाइनेंस एक्ट 23। तो ना कीप दिस ऑलवेज इन लाइन बेटा कि जो फाइनेंस एक्ट 23 है वो 24/25 असेसमेंट ईयर को एप्लीकेबल है ना, फाइनेंस एक्ट 24 है वो 25/26 असेसमेंट ईयर को एप्लीकेबल होगा। तो ये हमेशा ऐसे ही चलेगा 24/25/26, क्लियर है। अब तुमको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हमको कौन सा असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है,
और हमको किस फाइनेंस एक्ट के बारे में जानना है, ठीक है। आप समझ लीजिए फरवरी में जो फाइनेंस बिल आया, ठीक है, तो ना जून वालों को तो टेंशन नहीं आता, उनको तो मालूम है हमको एप्लीकेबल नहीं है। सबसे ज्यादा टेंशन में रहते हैं दिसंबर वाले। दिसंबर वाले क्या सोचते हैं मालूम है, अभी कोई आपका फ्रेंड है जिसका दिसंबर 24 में एग्जाम आए, ठीक है, जिसका दिसंबर 24 में, वो सोचता है कि सर मुझे जो फरवरी 2024 में जो बजट था उसके चेंजेस पढ़ने कि नहीं पढ़ने, ठीक है, उसके चेंजेस मुझे पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने, ये हमेशा उनमें कंफ्यूजन रहता है। तो आपको ना इसके आगे तो अभी भी पढ़ाई के रिलेटेड कंफ्यूजन रहेगा, तो ना एक ही चीज करने का, ये सोचने का अपना एग्जाम कौन से असेसमेंट ईयर में, ठीक है, तुम्हारा एग्जाम जिस असेसमेंट ईयर में होगा वो असेसमेंट ईयर तुमको एप्लीकेबल फॉर एग्जाम पर्पस, ठीक है। तो तुम बोलो तुम्हारा एग्जाम कब आ रहा है, जून 2024, तो जून 2024 कौन सा ईयर है, क्योंकि एवरी ईयर इज अ असेसमेंट ईयर, यू टेल मी विच ईयर, जून टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर कौन से साल में आता है, कैलेंडर ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर का बात कर रहा हूं, सो इट इज आइदर 2021, 2021, 2022, ऐसा। तो कौन से साल में आता है जून 2024, ट्वेंटी 2023, 2024 चालू कब होगा, फोर 24, 25 में आएगा ना बेटा, 24, 25, सो ये आएगा असेसमेंट ईयर कौन सा बेटा, 24, 25 में। तो अगर AY 24, 25 है तो फाइनेंस एक्ट कौन सा रहेगा बेटा, 23। तुमको ये फरवरी के बजट का बारे में बात नहीं करना है, तुमको कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल है जो 2023 फरवरी के बजट में आए। सेम इज द केस विथ बेटा डिसंबर 24 ऑल्सो, डिसंबर 24 वाले बच्चे का भी एग्जाम असेसमेंट ईयर 24, 25 में आता है, उसको भी फेब 23 का ही है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, सर वो फेब 24 वाला भी बजट आएगा तो मेरा डिसंबर 24 में एग्जाम है, मेरे लिए है एप्लीकेबल नहीं है बेटा, ये कौन सुनने वाला है फॉर असेसमेंट ईयर 25, 23। तुम्हारे लिए कौन सा असेसमेंट ईयर है 24, 25, डू वी गेट दिस, सो दिस हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्टली यू नो एम्बेडेड इन योर ब्रेन अभी के हिसाब से, व्हाट असेसमेंट ईयर यू आर गोइंग टू हैव, व्हाट प्रीवियस ईयर यू आर गोइंग टू हैव, एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू कम नाउ दिस, है ना। तो तुमको भी आइडेंटिफाई तो हुआ यार हमको कौन सा असेसमेंट ईयर है, जो साल में मेरा एग्जाम है, जो AY में मेरा एग्जाम है वो AY मेरे लिए है, अपने लिए अभी कभी भी ना ईयर कैलेंडर ईयर, अपने जिंदगी में अभी ईयर कभी से चालू होता है, 1 अप्रैल से ईयर कभी खत्म होता है 31 मार्च को, तो मेरे लिए ईयर इज विल बी ऑलवेज लाइक 21, 22, 22, 23, 23, 24, अपने लिए ईयर है, तो मेरे लिए अभी असेसमेंट ईयर 24, 25, ठीक है। तो अगर असेसमेंट ईयर 24, 25 है तो प्रीवियस ईयर कौन सा है, 23, 24, ये मेरा प्रीवियस ईयर है, तो मैंने इनकम कभी कमाया है 23, 24 में, उस इनकम का टैक्स कैलकुलेशन कभी कर रहा हूँ 24, 25। सिंपल, एंड ट्रस्ट मी ये आगे चल के आपको जिंदगी भर आएगा, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि इनकम टैक्स इज सच अ रिच सब्जेक्ट कि वो तुम आज जो भी पढ़ोगे ना बेटा वो आगे तुमको जिंदगी भर आएगा काम, क्योंकि आगे चल के पैसा तो कमाने ही वाले हो, भले CS बन के ना कमाओ या CS बन के कमाओ या रील बना के कमाओ, जैसा भी कमाओ पैसा तो तुम बनाने वाले हो, पैसा बनाओगे तो टैक्स तो भरना पड़ेगा, तो तुमको मालूम नहीं होना चाहिए तभी व्हाट असेसमेंट ईयर व्हाट प्रीवियस ईयर, तो व्हाट एवर यू विल लर्न हियर कहीं ना कहीं आपको आगे बहुत ज्यादा वो काम, ऐसा इसलिए नहीं बोलूंगा कि आप एक्सपर्ट ही बन जाओ, बट एक बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग तो आपको रहेगा बेटा कि सामने वाला बात क्या कर रहा है, वरना तो यू विल बी एलियन ओनली ना, आज तू इंजीनियर को जाके बोले तेरे को असेसमेंट ईयर मालूम है क्या, वो बोलेगा ये क्या होता है, यू विल नो बिकॉज यू हैव स्टडी। तो अब वो 10 लाइन भरी जाए,
डन एवरीवन, अभी थोड़ा यहाँ से और आगे अपन जर्नी में चलते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट बेटा, इनकम, है ना। अपन ने पांच डेफिनेशंस के बारे में सोचा था। वी डिड पर्सन, वी डिड असेसी, वी डिड प्रीवियस ईयर, वी डिड असेसमेंट ईयर। नाउ इट इज अ टाइम फॉर अस टू लुक एट व्हाट बेटा, इनकम। अभी ना आई रियली डोंट वॉन्ट अस टू बी गोइंग एंड लुकिंग इन टू द डेफिनेशन ऑफ इनकम। मैंने बोला ना बहुत बड़ा है, मैंने बुक में डाला है तुम्हारे, पर वो बहुत बड़ा है। बट हमको ये जानना जरूरी है कि कौन सा सेक्शन के अंदर इनकम को डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन है 2, सब सेक्शन 24, है ना। एंड ये जो डेफिनेशन है, ऑब्वियसली इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन, ऑब्वियसली इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, है ना। तो हम लोग को इनकम इनकम का डेफिनेशन नहीं देखते, ठीक है। बट वी विल डेफिनेटली लर्न अबाउट सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट बेटा इनकम, ठीक है। सो दीज आर व्हाट बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम एंड नॉट व्हाट बेटा थंब रूल्स। तुमको मालूम है ना थंब रूल्स का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड रूल्स जो होते हैं वो थंब रूल्स। मैं ये बता रहा हूँ कि अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना बेटा, दीज आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स में आ सकता है ये देखने का कोशिश कर रहे हैं। हम जो पढ़ रहे हैं उससे अलग भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि इनकम में ये होगा तो ही वो इनकम है। आइडियली ये होना चाहिए, बट देयर ऑल्सो कुड बी सम एक्सेप्शन। देयर ऑल्सो कुड बी सम व्हाट बेटा एक्सेप्शन फॉर व्हाट एवर वी आर लर्निंग। तो ना सबसे पहले वी शुड अंडरस्टैंड कि इनकम इज अ रेवेन्यू, इनकम इज अ रेवेन्यू रिसीव, ठीक है, विच इज फ्रॉम अ फिक्स, या ऐसे तो रेवेन्यू रिसीव विच इज रिसीव्ड रेगुलरली and from a fixed what beta source, समझते हो ना भाई, source of income, ठीक है। तो बोलते हैं income क्या है, income है एक revenue receipt, है ना, जो receive कैसे होता है बेटा, regularly, and it is received from a fixed source, तो हम लोग उसको ideally क्या मानेंगे बेटा, income मानेंगे, ठीक है। So now it is very important for us to understand the difference between revenue एंड वॉट बेटा कैपिटल। ये हम लोग आगे देखते हैं, मैंने आपके लिए डिफरेंशिएट भी करा है कि वॉट इज हाउ इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एंड वॉट बेटा कैपिटल। पर जनरली तुमको क्या लगता है क्या होता होगा रेवेन्यू एंड कैपिटल बेटा? आई कैन से दिस इज रिकरिंग, ठीक है, और दिस इज नॉन रिकरिंग, ठीक है, बराबर है। ये हमने पढ़ा अकाउंट्स, और बताओ शॉर्ट टर्म है, ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। कैन यू डिफाइन मी बेटा शॉर्ट टर्म? वो पढ़े ना, शॉर्ट टर्म इज यूजुअली इन विद इन अ ईयर, है ना। तो बोलता है इसमें 1 ईयर का टाइम है, अ ईयर, है ना, एंड इसमें दिस कुड बी व्हाट बेटा मोर देन अ ईयर, ठीक है। तो ये है ना रेवेन्यू एंड कैपिटल है ही, पर है ना इनकम टैक्स में रेवेन्यू एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बोलता है, देख भाई बाकी सब तो ये देख, तेरा जनरल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या है, एंड वो जनरल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी के अंदर तूने अगर कुछ भी किया, वेदर वो रेगुलर हो भी या ना भी हो, मैंने पहले बोला एक्सेप्शन आएगा, वो रेगुलर हो भी या ना भी हो, तो भी हमारे लिए वो क्या माना जाएगा बेटा, रेवेन्यू माना जाएगा, ठीक है। आई गिव एन एग्जांपल, मेरा जनरल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या है, टीचिंग। तो मैंने ना बेटा पढ़ा के किधर से भी पैसा कमाया, मेरे लिए वो टेक्निकली रेवेन्यू है, बराबर है। तो मैं मान के चलो अभी तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं सीए पढ़ाता हूँ, सीएस पढ़ाता हूँ, एक कोई तो बच्चा है इधर का,
बोला सर मेरे को एमबीए में टैक्स पढ़ाओ। मैं बोला नहीं नहीं मैं एमबीए का टैक्स नहीं पढ़ाता, पीछे पढ़ने। बोला नहीं सर पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। तो मैंने बोला चल ठीक है मैंने पढ़ा दिया। अब बेटा मुझे मालूम है वो एक ही बच्चा है, शायद मैंने इसके पहले कभी पढ़ाया भी नहीं, शायद मैं इसके बाद कभी पढ़ाने भी नहीं वाला, रेगुलर तो नहीं है ठीक है, पर वो मेरे को फीस दे के गया ना यार। तो मेरा जो नॉर्मल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी में मैंने कुछ भी कमाया वो मेरे लिए क्या है बेटा, रेवेन्यू रिसीव। फिक्स नहीं है, रेगुलर भी नहीं है, फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, रेगुलर भी नहीं है, पर मेरे लिए वो क्या बेटा, रेवेन्यू। ठीक है तो तुमको समझता है, तो हम लोग को यही क्राइटेरिया रखना है कि मेरा ना बेटा रेगुलर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी क्या है, मोर देन वन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ मैं पढ़ा था, मेरा होटल भी है, तो होटल बिजनेस के लिए रेगुलर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी क्या है बेटा, खाना बना के बेचना। तो यहाँ पे रेगुलर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी इज टीचिंग एंड व्हाट बेटा, अर्निंग। होटल में रेगुलर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी इज व्हाट बेटा, खाना बना के बेचना प्रीडोमिनेंटली। अभी इन दोनों में एक चीज मैं तुमको कॉमन बोलूँ, मेरा होटल में भी एक एयर कंडीशन है, क्लास में भी एक एयर कंडीशन है। एयर कंडीशन खराब हो गया, मैंने ओएलएक्स पे बेच दिया, अब वो कौन सा रिसीट है? वो कैपिटल रिसीट है ना यार, क्योंकि क्या मेरा रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी एसी बेच के पैसा कमाना है? तुमको भी डिफरेंस समझ रहे हैं, अब बहुत स्ट्राइक होएगा कि हाँ सर आपका रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी एसी बेच के पैसा कमाना नहीं है, तो आपके लिए एसी बेच के ओएलएक्स में जो भी पैसा मिला वो क्या माना जाएगा? देन कैपिटल रिसीट माना जाएगा। हाँ पर अभी मैं जाके स्टोर में से एसी खरीद के लाना है, अब स्टोर वाले का रेगुलर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या है? एसी बेच के पैसा कमाना, उसके लिए वो क्या बनेगा बेटा, रेवेन्यू। अभी तुमको क्लियर डिफरेंस दिखता रहेगा बेटा, हाउ यू आर लुकिंग एट रेवेन्यू एंड हाउ यू आर लुकिंग एट कैपिटल। ये बोलते हैं नॉर्मली मैं चाहता हूं कि इनकम क्या रहे बेटा, रेवेन्यू रिसीव, इट शुड अक्रू व्हाट बेटा, रेगुलरली। अब रेगुलरली का मतलब क्या हुआ? अभी ये भी बहुत सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है बेटा, जैसे कोई डेली वेज वर्कर रहेगा उसके लिए रेगुलर इज डेली, कोई सैलरीड एम्प्लॉय रहेगा उसके लिए रेगुलर इज मंथली, मेरे लिए रेगुलर इज 6 महीने में एक बार, बराबर है मेरे लिए रेगुलर इज व्हाट बेटा, 6 महीने में, मेरा बैच तो 6 महीने में आता है ना, करेक्ट है। कोई कोई जगह पे तुम लोग एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेते हो मालूम है, एसी का ऐसा मेंटेनेंस, उसके लिए रेगुलर क्या बेटा, एनुअल है। तो ये लोग बोलते हैं जो भी रहे, इट इज वेरी सब्जेक्टिव बट इट हैज टू बी व्हाट बेटा, रेगुलर ठीक है, एंड इट शुड बी फ्रॉम अ फिक्स। ये जनरली इसी तरीके से हम इनकम को परस्यू करते हैं, मतलब देखते हैं, क्लियर है? तो दिस इज हाउ यू लुक एट व्हाट बेटा, मतलब इनकम कैन बी इन व्हाट बेटा, कैश, इट कैन बी इन काइंड ऑफ, इनकम कैन बी इन कैश और इन टाइम, कह रहे ना बेटा। अभी मैं बोलता हूँ मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम मेरे को फीस देते ठीक है, कल को काजल मेरे को बोलते सर मैं फीस नहीं दूंगी, मैं फीस के बदले मोबाइल फोन दूंगी, चलेगा क्या? मैंने बोला चलेगा, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मोबाइल फोन तो मिल ही रहा है ना, मेरे को यूज करने को आएगा। तो अभी तुम लोग सब लोग फीस दे रहे हो, काजल मेरे को फीस के बदले मोबाइल फोन दे। अब तुम बताओ मैं जब भी इधर प्रॉफिट एंड लॉस लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, फीस जो भी पैसा और मोबाइल लिखू, मोबाइल भी तो फीस ही है ना बेटा। तो इनकम टैक्स पहला क्या बोला बेटा, योर इनकम कैन बी इन कैश और इन काइंड। हाँ, अब अगर तुझे काइंड में मिला तो तुझे उसको एक कैश इक्विवेलेंट में मेजर करना पड़ेगा ना, तो मैं मोबाइल फोन का कुछ तो वर्थ लिखूंगा ना बेटा मेरा फीस के सामने, ठीक है। आई कैन नॉट राइट वन मोबाइल फोन एज फीस, तो वो कैसे 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 करने का, वो किधर लिखा है रूल्स, कैसे, व्हाट टू डू, इनकम कैन बी इन कैश और इन काइंड, हाउ टू कन्वर्ट द काइंड इनटू अ कैश इक्विवेलेंट, दिस इज रिटन देयर इन द रूल्स, ये हमने पहले लिखा है, व्हाट टू डू विल बी टोल्ड बाय द एक्ट, हाउ टू डू विल बी टोल्ड बाय द रूल्स, ठीक है। सो अपने लिए यही जानना जरूरी है, इनकम कैन बी इन कैश और इन काइंड, ओके। बैलेंस शीट में क्लास क्लास शीट बनने के नहीं, बैलेंस शीट में तो मोबाइल फोन एज असेट दिखा,
बट मैं जब प्रॉफिट गिनूंगा, मैं ऐसा नहीं बोल सकता ना, मेरे पास कैश और एक मोबाइल है, मोबाइल का भी कुछ तो मनी का वर्थ लिखना पड़ेगा ना सामने। तुझे समझता है, जब मैं पीएनएल बनाऊंगा, बैलेंस शीट में मेरे असेट में मोबाइल फोन है तो इट विल शो इन माय बैलेंस शीट। व्हाट अबाउट प्रॉफिट? व्हेन आई विल वांट टू कैलकुलेट प्रॉफिट? अब मान के चल सारे बच्चे मोबाइल फोन ही दे रहे हैं, हाउ विल आई हैव टू पुट मोबाइल फोन के सामने सम रूपी का नंबर? वो हाँ कैसा करने का है, ये किस में बताएगा बेटा? हाँ रूल्स में बताएगा, करेक्ट है। चलो थर्ड, बहुत इंटरेस्टिंग, इनकम कैन बी लीगल और वॉट बेटा? अभी देखो, मैंने तुमको कल ही बोला था इनकम टैक्स बहुत श्रूड है, वो मरे हुए आदमी को भी नहीं छोड़ता। बोलता है तू लीगल तरीके से कमा या इलीगल तरीके से कमा, भाई आप हमको तो टैक्स चाहिए, तो तेरा इनकम लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है, बराबर है। अब तुम एग्जैक्टली यही पॉइंट पे सोच रहे हो, सर ऐसा कौन सा बंदा है जो इलीगल तरीके से इनकम कमा के इनकम टैक्स को डिक्लेयर कर रहा है कि मैंने ड्रग्स बेचा और ड्रग्स बेच के इनकम कमाई लो रिटर्न? ऑब्वियसली ऐसा कोई नहीं करता, पर इनकम टैक्स बोलता है हाँ तेरे घर पे बहुत सारा पैसा पकड़ा गया, हमने रेड मारा, बहुत सारा पैसा मिला। अभी मालूम है इसको तो रेड मारा था, बहुत सारा करोड़ रुपया मिला, कांग्रेस का कोई एमपी था देखना, ईडी वाले ने, हाँ 300 करोड़ कुछ मिला था। हाँ अभी उसके पास पैसा आया, तो वो पैसा लीगल होगा क्या? नहीं तो इनकम टैक्स बोलेगा राम राम राम, लीगल नहीं है, हम टैक्स नहीं लगाएंगे, ऐसा को भी नहीं बोलेगा। वो बोलता है लीगल है या इलीगल है, अब मिला ना आपको हम क्या करेंगे बेटा, टैक्स तो करेंगे। तो लीगल इज नॉट डिक्लेयर्ड बेटा, पर मिला तो क्या करेंगे, छोड़ते तो नहीं वाले, हम लोग टैक्स करेंगे। तो लीगल हो या इलीगल हो, वी विल डेफिनेटली टैक्स। ठीक है, कैन आई देन से कि लीगल इज व्हाट बेटा, व्हाइट एंड इलीगल इज ब्लैक? तुमने सुना है कभी ब्लैक मनी व्हाइट मनी? हाँ, तो क्या होता है ब्लैक और व्हाइट? सॉरी, वैसे कमाया गया वाइट वाइट मनी एज इलीगल वैसे कमाया ब्लैक बोलो बोलो। मैं बोलता ना टैक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये ना ये सब्जेक्ट करते करते ना तुम्हारा ना सामान्य ज्ञान भी बहुत बढ़ने वाला है, तो ऐसे ऐसी चीजें जो तुम नॉर्मली नहीं सोचते थे ना, वो तुमको अच्छे से थोड़ा थोड़ा समझ में आने। तो बोलो सिंपल, टैक्स ब्लैक एंड व्हाइट? तू ब्लैक एंड व्हाइट पहन के, तू तो बोल। परफेक्ट परफेक्ट, व्हाइट मतलब वो पैसा जिसपे आई हैव पेड व्हाट बेटा, टैक्स। ब्लैक मनी मतलब वो पैसा जिस पे आई हैव नॉट पेड टैक्स। ठीक है, अब कोई बच्चा यही बोलेगा सर वही तो इलीगल है ना, हम लोग इलीगल वैसे पैसा कमाते हैं, तो थोड़ी ना हम सोचते हैं कि हम उस पे टैक्स भरेंगे। पर बेटा लीगल भी तो ब्लैक हो सकता है। अब मुझे बता, पढ़ाना लीगल है कि इलीगल है? अब मैंने तुम में से सारे लोगों से चेक में पैसा लिया, पर ऐसे 4-5 लोग हैं जिनसे मैं कैश में पैसा लिया। अब मैं कैश में पैसा ले रहा हूं विद अ क्लियर इंटेंशन, आई डोंट हैव टू शो दैट मनी एज माय इनकम, तो टेक्निकली आई एम इवेडिंग टैक्स। टैक्स इवेजन का मतलब क्या करना बेटा, टैक्स से भागना। हाँ आई एम इवेडिंग टैक्स, तो मैं लीगल वे से करके भी वो जो फीस मुझे आया है ना जिसपे मैंने टैक्स नहीं भरा, वो मेरे लिए ब्लैक। ठीक है, लीगल ऑब्वियसली 99% जब तक पकड़ा नहीं जाता वो तो ब्लैक ही है, कोई ये नहीं चाहता कि इलीगल वे पे हम लोग क्या करें बेटा, टैक्स। पर याद रख कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं है कि लीगल व्हाइट है और इलीगल ब्लैक है, एनी मनी जहां पे आपने टैक्स नहीं भरा है वो अभी तक क्या है बेटा, ब्लैक है। तो पैसे को काला और सफेद का कलर कौन मारता है? इनकम टैक्स। वो बोलता है पैसे में टैक्स भरा इले सफेद कलर, टैक्स नहीं भरा इले काला, तो दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड एज ब्लैक एंड। मेरा पेंसिल में, तो क्या क्या हमने देखा बेटा? ये बोलता है कि इनकम शुड बी रेवेन्यू रिसीव रेगुलर एंड फिक्स सोर्स ऑफ इनकम, इनकम कैन बी कैश और इनकम, इट कैन बी लीगल और इलीगल, हम लोग बोला छोड़। ओनली नेट इनकम शैल बी व्हाट बेटा, टैक्स्ड। व्हाट इज दिस नेट इनकम? ये बोलता है देखो तुमको कुछ तो रिसीट्स मिलता है,
पर बेटा ये रिसीट कमाने के लिए ठीक तुमको उसके रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं। तो ना ये माइनस करके जो बचेगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे नेट इनकम, इनकम, एंड ओनली दिस नेट इनकम शैल बी टैक्स। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये बोलता है सेल्स पे टैक्स नहीं लगाने का, प्रॉफिट्स पे लगाने का। बराबर है ना बेटा, ये मेरा सेल्स है एंड खर्चे वर्चे माइनस करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा बेटा, प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो बोलता है सेल्स पे टैक्स नहीं लगाने का है, किस पे लगाने का है, प्रॉफिट्स पे। अब हम ना इधर टिपिकल बैलेंस शीट नहीं बनाए, तो हम क्या बोलते हैं कि इनकम कमाया, अब इनकम कमाने के लिए तुमने जो भी खर्चा किया उसको माइनस करो, और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसी पे हम क्या करेंगे बेटा, टैक्स करेंगे। तो ओनली व्हाट बेटा, नेट इनकम विल बी टैक्स। ये रिसीट जो होते हैं ना, आई कैन कॉल दिस ग्रॉस इनकम, है ना। तो ग्रॉस में से खर्चा माइनस करेगा तो क्या मिलेगा बेटा, नेट इनकम विच इज ठीक इक्वल टू माई प्रॉफिट्स। ओनली प्रॉफिट्स नीड्स टू बी व्हाट बेटा, टैक्स। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, ओनली नेट इनकम शुड बी टैक्स। वो ध्यान देना, ये जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं देख लेता हूँ। ऑल रिसीट कर, इसके पहले एक और रिस, दे आर सेइंग कि ऑल रिसीट्स आर नॉट इनकम। तो मानते हो ऐसा, ऑल रिसीट्स आर नॉट इनकम? बताओ ऐसा कौन सा रिसीट है जो, रिसीट तो है पर इनकम नहीं है। इनकम है, इनकम है, गिफ्ट्स आगे समझेगा। गिफ्ट्स आर इनकम, गिफ्ट्स आर टैक्स्ड। साल में 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट मिला ना, उस पर टैक्स लगता है। में ऐसे वो बोल मेरे को बता, इनकम टैक्स है सैलरी। ठीक है, डोनेशन लू मैं, वैसे उस पर भी टैक्स लगता है, बट स्टिल आई एम ठीक। और बताओ, कुछ टिप्स मतलब जो होटल में देते हैं, आइडियली वो इनकम ही है। वो हम आगे पढ़ेंगे, सैलरी के साथ वो हो सकता है। चलो, कहने से लोन, हाँ हाँ वो भी टैक्स हो सकता है। हम आगे देखें, तो मैं बोल रहा ना आगे तुमको बहुत कुछ, तुम्हारा दिमाग अभी वाइड होने वाला है। ठीक है, तो वो ना लोन, लोन तो कोई भी तरीके से टैक्स नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली लोन का पैसा हमको लौटाना है ना बेटा। यस तो क्या हम, मैं ऐसा मम्मी को बोली जा रही, मम्मी मैं ना करोड़पति बन गया, मैंने करोड़ रुपए कमाए, कैसे, बैंक से करोड़ रुपए का लोन लिया। मैं चप्पल से मारेगी ना बेटा, लोन इनकम थोड़ी है यार, वो तो वापस देने का है। ठीक है, दूसरा कैन आई से ऑल्सो रीइंबर्समेंट्स, रीइंबर्समेंट्स का मतलब क्या है, मैंने कुछ खर्चा किया उसका मेरे को रिकवरी हुआ, दैट इज रीइंबर्समेंट्स। तो दैट कैन नॉट बी व्हाट बेटा, इनकम, दैट इज जस्ट अ रिसीट। अभी मान के चल मेरे को भूख लग रहा था, ठीक है, मैंने काव्या को बोला कि काव्या मेरे लिए आते आते दो वड़ा पाव ले। ठीक है, तो वो वड़ा पाव लाई, मैंने पूछा कितना हुआ, तो बोली 30 रुपीज। तो मैंने काव्या को 30 रुपीज रीइंबर्स किया। अब वो खुश नहीं हो सकती है, बोल के 30 रुपए कमाई हुआ, उसने पहले खर्चा किया है ना बेटा, उसी का क्या मिला बेटा, रिकवरी। रिसीट तो है पर वो इनकम नहीं है। इसमें ना एक और चीज आएगा, इनहेरिटेंस रिसीट्स। ठीक है, इनहेरिटेंस रिसीट मतलब जायदाद जो अपने को इनहेरिटेंस में मिलती है बेटा, वो मेरा इनकम नहीं है, मैंने कमाया नहीं है। अगर मेरे दादाजी गुजर गए और वो मेरे लिए 5 करोड़ रुपया छोड़ गए, तो व्हेन आई विल गेट दैट 5 करोड़, ठीक है, इट विल नॉट बी माई इनकम टू बी व्हाट बेटा, टैक्स। हाँ, दादाजी के हाथ में टैक्स होगा क्या, हो सकता हाँ है,
तो अभी इनकम टैक्स क्या करेगा, बोलेगा तू दादाजी का तो रिप्रेजेंटेटिव है ना, अभी दादाजी के लिए ये 5 करोड़ में से जो टैक्स भरता है वो दे दे, तो 5 करोड़ में से 1 करोड़ मान के चलो टैक्स चला गया, अब मुझे जो 4 करोड़ मिला ना वो मेरा इनकम नहीं है, मेरे लिए वो क्या है बेटा, इनहेरिटेंस रिसीट्स है। ये एक और फ्लैग है, इसका बहुत आगे कुछ तो आएगा बाद, कि मैंने बोल के रखा था कि इनहेरिटेंस रिसीट्स आर ओनली व्हाट बेटा, रिसीट्स, दे आर नॉट इनकम, उस पर टैक्स नहीं लग सकता, ठीक है, ये याद रख। कभी आएगा बोल, ग्रेचुटी के टाइम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो इनहेरिटेंस रिसीट्स आर नॉट, ऑल रिसीट्स आर नॉट इनकम। लास्टली बेटा, इनकम शुड फ्लो फ्रॉम व्हाट बेटा, आउटसाइड सोर्स। अब ये क्या बोलता है, यू कैन नॉट डू एन इंटरनल जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम शुड फ्लो फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स, ठीक है। अब मान के चलो मेरा शर्ट का दुकान है, ठीक है, कपड़े का या मोबाइल फोन का, मेरा फेवरेट बिजनेस अपना क्या रहेगा बेटा, मोबाइल फोन का दुकान है। तो एक दिन क्या हो गया, मुझे ऐसा लगा कि अभी दिवाली है, चलो मोबाइल फोन ले लेते, तो मैंने ना अपने दुकान से एक मोबाइल फोन लिया यूज कर। अब मैं जाके उधर सेल्स बुक में एंट्री नहीं कर सकता ना कि मैंने खुद ही को एक मोबाइल फोन बेचा बोल, आई कांट डू दैट, राइट। इनकम शुड फ्लो फ्रॉम व्हाट बेटा, एक्सटर्नल सोर्स। कोई कस्टमर आके लेकर गया तो मोबाइल फोन का क्या होता है, सेल होता है। तो ये लोग बोलते हैं इट शुड कम फ्रॉम व्हाट बेटा, आउटसाइड। तो इधर ना एक आता है, ये थोड़ा तुमको हैवी जाएगा, ध्यान देना, इधर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, ध्यान से सुनो बेटा, इधर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ, और बेटा म्यूचुअलिटी, तो कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी क्या बोलता है, जहां पे कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड व्हाट बेटा बेनिफिशियरीज आर व्हाट बेटा सेम पीपल, वहां पे इनकम नहीं हो सकता, जहां पे कॉन्ट्रीब्यूटर और बेनिफिशियरीज क्या है, सेम है। जैसे मान के चलो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, तो हम सब है ना बेटा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर लोग, ठीक है, अपन सब मिला के मान के चल 25 लोग। हाँ, हमने बोला अरे बिल्डिंग को कलर लगा रखा है, तो हमने क्या किया, कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला, ठीक है, सबने समझ 10-10 हज़ार रुपए निकाले, तो अपने पास कितने हो गए, 2.5 लाख रुपए हो गए, 2.5 लाख के 25 लाख हो गए, 2.5 लाख हो गए ना, हाँ 2.5 लाख रुपए हो गया बेटा। अब हमने क्या किया, 2.5 लाख रुपए में से बिल्डिंग को कलर किया, तो यार कॉन्ट्रीब्यूटर भी हम ही है, बेनिफिशियरीज भी हम ही है। तो अब जब है ना मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये कंट्रीब्यूशन देता है, तू ये नहीं बोल सकता कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम हुआ, तुमको समझा मैंने क्या बोल रहा है, क्योंकि जो कंट्रीब्यूटर है और जो बेनिफिशियरी है वो क्या बेटा सेम ही बंदा है, तो वहां पे इनकम नहीं। हाँ, पर ऐसा है कि बिल्डिंग है और बिल्डिंग ने वो कोई मोबाइल के टावर वाले को जगह भाड़े पे दी, अब मैंने एयरटेल वाले को जगह दिया टावर लगाने, तो अब एयरटेल वाले से मेरे को पैसा मिले, वो कौन है, एक्सटर्नल पार्टी है। वहां से जब कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसा मिलेगा, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या माना जाएगा बेटा, इनकम माना है, बराबर है। तो दीस पीपल आर सेइंग कि म्यूचुअलिटी टेल्स यू कि व्हेन द कंट्रीब्यूटर एंड बेनिफिशियरीज आर द सेम पीपल, देयर इज नो इनकम। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे क्या बोलते थे, मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी और तुम सब लोग मेरा मेंबर है, तो आइडियली तुम लोग जब मुझे कंट्रीब्यूट करेगा फॉर अ कॉमन पर्पस, तो उसके लिए इनकम नहीं है, ठीक है, पर से मुस्कान आई एंड मुस्कान को इंडिविजुअली कुछ स्पेसिफिक मेरे से सर्विस चाहिए, जिसके लिए उसने मुझे क्या किया, पैसा दिया, तो नाउ इट इज नॉट फॉर अ कॉमन पर्पस, देन व्हाट एवर आई रिसीव फ्रॉम हर विल बी टेकन एज व्हाट बेटा, इनकम। हम लोग है ना पीजीबीपी में देखेंगे, अभी के लिए आप इतना ही सोच के रखो कि अब द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी टेल्स अस कि कंट्रीब्यूटर्स एंड बेनिफिशियरीज क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, तो इनकम जनरेशन नहीं होगा। मैंने इसलिए वही दो एग्जांपल भी लिखाया है एंड वो एयरटेल का मोबाइल टावर वाला भी लिखा है, दैट इज द इनकम ऑफ व्हाट बेटा, सोसाइटी। तो ये है ना कुछ बहुत छोटे पॉइंटर्स है व्हिच टेल्स मी हाउ माय इनकम वर्क्स बेटा, ठीक है। अब तो हम लोग ने क्या बोला, इनकम आइडियली शुड बी रेवेन्यू रिसीट, रेगुलर हो तो अच्छा, फ्रॉम अ फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है ना, फिर वो कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है ना। व्हाट वी नीड टू टैक्स इज ओनली द नेट इनकम बेटा, है ना, ऑल रिसीट्स आर नॉट इनकम, है ना। एंड हम लोग बोलते हैं इनकम शुड फ्लो फ्रॉम व्हाट बेटा, इंटरनल और आउट एक्सटर्नल सोर्स, इंटरनल जनरेशन वाला इनकम नहीं होता। इसका एक और तुमको ना एक अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा बेटा, हम मालूम है जब भी 12th में पार्टनरशिप फॉर्म का अकाउंट बनाते थे, ठीक है, या प्रोपराइटरशिप अकाउंट बने, पार्टनरशिप में प्रोपराइटरशिप, तो हम क्या करते थे मालूम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
हाँ हाँ इनकम टैक्स नहीं देता डिडक्शन, बोलता है यार तू ही पैसा देगा और तू ही खुद के कैपिटल पे खुद ही इंटरेस्ट लेगा, तो वो तेरा इनकम भी नहीं है, वो सामने बिजनेस का एक्सपेंस भी नहीं है, तो बिजनेस एक्सपेंस क्लेम करता रहेगा तो वो नहीं देता, वो बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटर और बेनिफिशियरी तू तो सेम ही है ना यार, तो तू ही खुद के बिजनेस में पैसा डाल के बिजनेस से तू क्या कर सकता है, इनकम नहीं है। ठीक है चलो इतना लिख लो फिर थोड़ा आगे।
अब आगे हम लोग का जर्नी कैसे होगा करके, ठीक है? तो यू विल अंडरस्टैंड बेटा कि आपने अभी देखा इनकम के बारे में, है ना? ये इनकम ना आगे दो भागों में डिवाइड हो, तो देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज इंडियन इनकम, है ना? एंड देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज फॉरेन इनकम, ओके? एज फार एज इंडियन इनकम इज कंसर्न बेटा, इंडियन इनकम विल बी ऑलवेज टैक्स। जो भी इनकम आपने इंडिया में कमाया उसमें आपको हमेशा इंडिया में टैक्स देना ही पड़ेगा। फॉरेन इनकम जो है वो कभी कभी टैक्सेबल हो सकता है, कभी कभी नॉट टैक्सेबल हो सकता है। एंड माइंड माई वर्ड, आई एम सेइंग व्हाट बेटा, नॉट टैक्सेबल के मतलब वी डोंट हैव द राइट ओनली टू टैक्स दैट इनकम, है ना? अभी अमंग्स द टैक्सेबल पार्ट ऑफ जो भी इनकम रहेगा अपने पास, एक सेक्शन 14 करके सेक्शन आएगा, और वो आपके इनकम को हेड्स ऑफ इनकम में क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा। हेड्स ऑफ इनकम आर बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। तो अपने पास फाइव हेड्स ऑफ इनकम है। यू हैव समथिंग कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरीज, ठीक है? देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम व्हाट बेटा, हाउस प्रॉपर्टी। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज प्रॉफिट्स और व्हाट बेटा, गेन्स फ्रॉम व्हाट, बिजनेस और प्रोफेशन। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज कैपिटल गेन्स, एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड ऑल दिस फाइव हेड। इसमें बहुत टाइम जाने वाला आपका, ठीक है? एक बार ये हो गया, देन पैरेलली अपने को दो कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, विच इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, क्लबिंग ऑफ इनकम एंड आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ व्हाट बेटा, लॉसेस, ठीक है? ये करने के बाद आपको फाइनली ये जो अमाउंट मिलेगा उसको तो हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से गवर्नमेंट ने अपने कुछ डिडक्शंस अलाउ किए गए हैं, तो हम लोग बोलते हैं डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, ठीक है? ये डिडक्शंस माइनस करने के बाद आपको मिलेगा टोटल इनकम, है ना? एंड फिर टोटल इनकम में से आप कंप्यूट करोगे टैक्स। दिस इज एग्जैक्टली योर जर्नी अहेड ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू गो, ठीक है? तो अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा बेटा, ठीक है? तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि इनकम फॉरेन है या इंडियन है? तो इधर एक अपने पास सेक्शन 5 आएगा, जो एक चैप्टर लाएगा स्कोप ऑफ व्हाट बेटा, टोटल इनकम। एक चैप्टर है ये, आप में आपका मॉड्यूल के हिसाब से 2C, ठीक है? फिर मुझे कैसे समझेगा कि कौन सा इनकम टैक्सेबल है या नहीं टैक्सेबल है? तो इधर एक सेक्शन 6 आएगा, विच विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज रेसिडेंशियल स्टेटस, विच इज 2B। नेक्स्ट हम चैप्टर यही चालू करेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो अभी ऐसा है ना कि ये एक चैप्टर है, ये एक चैप्टर है, आपके फाइव हेड्स ऑफ इनकम 5 चैप्टर है, क्लबिंग एक चैप्टर है, सेट ऑफ एक चैप्टर है, डिडक्शंस एक चैप्टर है, हाउ टू कंप्यूट टैक्स एक अलग चैप्टर है, एंड देर आर सम मोर कॉन्सेप्ट्स। ऐसा करके फाइनली आपका DT विल कम टू एन एंड। तो दिस इज वर्चुअली द होल जर्नी ऑफ आपका DT कि आप आगे कैसा जाने वाले, ठीक है? अब है ना टुमारो आई विल मेक यू राइट दिस, बट उसके पहले ना आई वॉन्ट कि अपन है ना ये पहले 4 रूल्स ऑफ इनकम टैक्स लिखे, कि अपना वो अकाउंटिंग में कैसा जनरल रूल्स होते हैं, गोल्डन रूल्स, वैसे ये कुछ रूल्स है, तो पहले ये पढ़ लेंगे, देन वी विल राइट अबाउट व्हाट बेटा द इनकम। या एक काम करो, फोटो ले लो, लिख के आओ, रूल्स बाद में भी लिखेंगे, तो अपना काम टाइम बन जाए, ठीक है? ले लो फोटो। ठीक है।
बीच आगे डन। दिस इज टैक्स। ठीक ठीक है, इतना लिख लो। तो कल से बेटा एक वो फर्स्ट चैप्टर का मैंने आज जो नोट्स दिए हैं ना वो मैं आपको कराऊंगा, एंड रेसिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट कर दिया। मस्त है एकदम। डन। है क्या अगर हम नोट पढ़ेंगे तो वो समझेगा क्या लिखा है अभी। कल एक बार रीडिंग होएगा ना नोट्स का। जाएंगे